नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे करामाती कोर्ट और छोटा चेतन फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं करामाती कोर्ट फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। करामाती कोर्ट सन 1993 में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में ओम राउत, इरफान खान, वीरेंद्र सक्सेना, विक्रम आचार्य, प्राची सावे और किशोर नंद लश्कर नजर आए थे। इस फिल्म को अजय कार्तिक ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। इस फिल्म को 6 सितंबर सन 1993 में रिलीज किया गया था। वहीं बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 10 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 7 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 11 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.9 रेटिंग मिले। भले ये फिल्म उस समय फ्लॉप हो गई थी पर इस फिल्म ने बच्चों की दिलों में अपनी अलग जगह बनाई थी। बच्चों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। अब जानते हैं छोटा चेतन फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। छोटा चेतन सन 1998 में आई एक फैंटेसी एडवेंचर फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, दलीप ताहिल, सतीश कौशिक, शक्ति कपूर, श्रीधरन नायर, मास्टर अरविंद, सोनिया और रवि बसवानी नजर आए थे। इस फिल्म को जीजो पुन्नोसे ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था जोस पुन्नोसे ने। इस फिल्म को 23 मार्च सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 45 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 1.3 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1.35 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.9 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक अनु मलिक ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने अच्छे हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, छोटा चेतन एक मलयालम फिल्म थी जिसका टाइटल माई डियर कुत्ती चेतन था और ये फिल्म को सबसे पहले सन 1984 में रिलीज किया गया था। फिर बाद में इसे हिंदी में डब करके सन 1998 में रिलीज किया गया था। नंबर 2, ये फिल्म इंडिया की पहली 3D फिल्म थी। नंबर 3, 3D फिल्म होने के कारण इस फिल्म को बनाने में काफी वक्त लग गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।